ठीक है ठीक है, भेज देंगे ना, नंबर सेव कर लो। ठीक है। अच्छा ये चार्जर आप साथ में लेके चलते हैं? हाँ, चार्जर नहीं। चलो बहुत अच्छा है भाई। हाँ कभी इमरजेंसी पड़ गई तो मिल जाती, लेकिन चार्जर नहीं मिलता है। चार्जर नहीं मिलता, चार्जर होना सही बात, चार्जर रहेगा तो अपन चार्ज कहीं भी कर लेंगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल EV लाइव न्यूज पर। आपका दोस्त रूपचंद साहू आपके सामने हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। और आज हम घूम रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी, झीलों का शहर भोपाल शहर। और अभी हमारे साथ में है महिंद्रा की ट्रियो यारी ई रिक्शा, और इसी से हम यात्रा कर रहे हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ वीडियो में पूरा बने रहें, हम आपको भोपाल में चलने वाली बैटरी से चलने वाली ई रिक्शा कैसी है, इलेक्ट्रिक ऑटो कैसी है, क्या परफॉर्मेंस है, और यहाँ के लोगों का क्या मानना है कि गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी पास है या फेल है, जैसे कि हम आपको अपनी सभी वीडियो में बताते हैं, अलग अलग शहर में घूमकर आपको जानकारी देते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। इंदौर है, आगरा है, कानपुर, नागपुर, दिल्ली, सभी शहरों में आपके लिए वीडियो बनाने के लिए हम लोग जा चुके हैं। तो उसी प्रकार से आज की वीडियो फिर से लेकर आ रहे हैं भोपाल के ऊपर। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं। जैसे भाई साहब आप चलाते हैं इसको, तो चार्जिंग पॉइंट वगैरह यहाँ बने हैं कि नहीं बने हैं भोपाल में, जैसे गाड़ी चार्ज करने के लिए? नहीं नहीं, अभी बनने वाले हैं, अभी तो बने नहीं हैं। अच्छा, अभी बने नहीं हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन बनने वाले हैं, कह रहे हैं बनने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि चार्जिंग पॉइंट तो जरूरी है ना आज के डेट में, आदमी गाड़ी चार्ज कैसे करेगा, खत्म हो गई अगर। बात तो सही है, बहुत जरूरत है उसकी, है ना, बहुत ज्यादा। तो जैसे अगर आपके खत्म हो जाते हो कि दिन में, तो आप कैसे चार्ज करते हैं? घर जाना पड़ता होगा, घर जाना पड़ता है, लेकिन उसे थोड़ा बचाना ही पड़ता है, 5 किलोमीटर घर चले जाए, घर चले जाए। तो जैसे आप एक बार फुल चार्ज कर लेते हैं तो कितने किलोमीटर चल जाते हैं यारी? 75 किलोमीटर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सवारी कम ज़्यादा बैठाने में रेंज कम ज़्यादा मिलता होगा, है ना? ज़्यादा सवारी अगर होगी तो रेंज कम मिलेगा। कितने साल हो गया गाड़ी को? 6 महीने हुए। अच्छा, कितने में पड़ी है? जो झूठ बोल रहे हो तो मोदी। अच्छा, नगद में 2.5 लाख। हाँ। यार ऑटो तो बहुत सजा के रखते हैं, CNG वाली है एकदम। हाँ, बहुत सजा के रखते हैं। भाई साहब अपना नाम क्या है? समीर चौरसिया। हाँ, सुनील चौरसिया। हाँ। चलो बहुत बढ़िया। तो मित्रों हमको ये भोपाल घुमा रहे हैं, सुनील भैया है इनका नाम, है सुनील चौरसिया जी, और इनके साथ हम ई रिक्शा में यात्रा कर रहे हैं भोपाल दर्शन। तो दोस्तों ये आ चुका है बड़ा तालाब, बड़ी झील जिसे बोला जाता है भोपाल का। मित्रों आप देख सकते हैं कि हमारे सामने में है महिंद्रा की ट्रियो यारी ई रिक्शा है, और ये चल रही है नवाबों के शहर भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और यहाँ पे ये ई रिक्शा में हम लोग घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आज आपको इसकी जानकारी देंगे कि अगर आपको ये गाड़ी ख़रीदना है तो ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। इसको जो चलाने वाले इनके ओनर हैं सुनील भाई जायसवाल साहब,
चौरसिया साहब, तो इनका क्या कहना है कि आखिर ये गाड़ी कितने दिन से चला रहे हैं? इनका जो लगभग 6 महीने हो गए ना, 6 महीने का जो एक्सपीरियंस या तजुर्बा है वो क्या कहता है कि गाड़ी कैसी है, पास है या फेल है? क्योंकि अलग अलग शहर में अलग अलग लोगों की ओपिनियन है, कोई बोलता है भाई साहब बेकार गाड़ी है, कोई बोलता है भाई साहब अच्छी गाड़ी है। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपको लेना है इसीलिए आप वीडियो को देख रहे हैं, है ना। तो जब आप वीडियो को देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी कि महिंद्रा की इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा वास्तव में कितनी अच्छी है। क्योंकि लाखों लोग, करोड़ों लोग इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को चलाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, और अच्छी गाड़ी है। लगभग 2.5 घंटे में फुल चार्ज होती है, और फुल चार्ज होने के बाद में कितने किलोमीटर चल जाती है, कितनी कमाई हो जाती है, हम भाई साहब से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। कितने महीने से आप इसको चला रहे हैं? छः महीने चला रहे हैं। लगभग 6 महीना हो गया। तो 6 महीने में अभी तक गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आई है क्या? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं, अच्छी चल रही है। नहीं, अच्छी चल रही है। सही। अच्छा, आपने को कितने में पड़ी है, कीमत क्या है गाड़ी की? इसकी है 240 कीमत थी उस समय पे। अच्छा, 240 में ली थी हमने। दो लाख चालीस हजार नगद में। तो आपने नगद में लिया कि फाइनेंस करवाया? नहीं, वैसे फाइनेंस करवाया है। अच्छा। कि नगद में 240 की है आप? हमने 70,000 रुपये। 70,000 रुपये हमने जमा किया है। और महीने की किस्त कितनी है? 7,050 रुपये की। कितने साल तक? 3 सालों की। 3 साल की है। गाड़ी की वारंटी कंपनी ने क्या दी है, कितने साल की वारंटी? गारंटी की 1 साल की दी है, लेकिन वो 3 सालों का, बिल्कुल बैटरी का है, 3 सालों का। अच्छा, बैटरी का 3 साल का है? 3 सालों का। और चार्जर वगैरह का 1 साल का है? हाँ, चार्जर का 1 साल। अच्छा, जो आप 6 महीने से चला रहे हैं कोई भी दिक्कत नहीं आएगा? नहीं, दिक्कत नहीं, कोई नहीं। बढ़िया चल रही वो तो। तो आप चार्जिंग कहाँ करते हैं, घर पे ही करते हैं? चार्जिंग घर पे करते हैं। घर पे? कितना टाइम लगता था फुल चार्ज करने का? 2.5 से 3 घंटा। 2.5 से 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है? लेकिन लोग बोलते हैं कि भाई ज़्यादा टाइम लग जाता है, 4 घंटे। नहीं, ये इसमें ये हो जाती है 3 घंटे में चार्ज। अच्छा, फुल चार्ज हो जाती है 3 घंटे में। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोगों के चार्जर जल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। हाँ। आपके साथ में कभी? नहीं, अभी कभी नहीं हुआ। अच्छा, अच्छा चल रहा है, चार्जर भी और गाड़ी भी अच्छी चल रही है। चार्जिंग आप घर पे करते हैं? घर पे। तो घर पे चार्ज करने का लाइट बिल कितना आ जाता है? लाइट का बिल भी कम ही आता है। कितना आ जाता है लगभग? मतलब 4 यूनिट, 2 टाइम चार्ज करते हैं, 4 यूनिट के लगभग बनती है बस। हाँ। अच्छा भाई, और एक बार आप फुल चार्ज करके चलाते हैं कितने किलोमीटर चल जाती है? ये 75 चलती है, 75 किलोमीटर चल जाती है। ने कितने किलोमीटर बताया? 85 बताया है, लेकिन 75 यूज होती है वो। 85 बताया है तो 75 चल जाती है। अच्छा अच्छा, और कुछ बचा के भी चलना पड़ता है, 75 चल जाती है। अच्छा, जैसे घर जाने आने? हाँ, घर जाने के लिए तो 75 यूज कर लेते हैं उसका। जैसे दिन में रास्ते में खत्म हो गई, आपको और धंधा करना है और चलाना है? हाँ, तो आप फिर क्या करते हैं? अभी तो वो घर जाना पड़ता है, घर चार्ज करते हैं 3 घंटे। सिटी के अंदर कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है? नहीं, अभी नहीं बने, बनने वाले हैं लेकिन बने नहीं। हाँ, तो बनना चाहिए, मतलब बनना चाहिए ना, जरूरी है। क्योंकि अगर चार्जिंग पॉइंट बनेंगे तो आप ज्यादा किलोमीटर चला सकते हैं। हाँ, वो जल्दी चार्ज हो जाएगी तो वो जल्दी ज्यादा चलेगी फिर वो समय। कभी आपकी इनकम कितनी हो जाती है, अब जैसे एक बार फुल चार्ज करके चलाते हैं? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। एक बार में हो जाती 500-700 रुपए की हो जाती है। अच्छा, 500 से 700 रुपए। हाँ। डेली की कमाई कर लेते हैं। दो टाइम में चलाते हैं तो वो तो 1000 रुपए के लगभग। अच्छा। की हो जाती है दो टाइम। आप अगर सुबह रात में चार्ज करके सुबह चला लेते हैं, दोपहर को चार्ज करके शाम को चला लेते हैं, तो लगभग 1000 रुपए के आसपास आई इनकम। 1000 रुपए की हो जाती है। तो गाड़ी से आप कितने खुश है? बहुत खुश है, बहुत खुश है। हाँ, और क्या, अच्छा धंधा है। लेकिन भाई साहब, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये फेल गाड़ी है, ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, कभी नहीं लेना। और मैं आपको वीडियो बता दूंगा, यूट्यूब पे मैं डाली है बहुत सारी। लोग बोलते हैं कि ये गाड़ी 1 साल के या कि 8 महीना 10 महीने के बाद में प्रॉब्लम करती है। अब अभी तो मालूम नहीं है, लेकिन वैसे मालूम है। हाँ, और के तो लेने से पहले आपने इंक्वायरी की थी क्या गाड़ी के बारे में? हाँ, की थी ना, लेकिन वो अच्छी चलती है सब। बहुत लोगों ने पूछा था गाड़ियाँ, कोई दिक्कत नहीं, और प्रॉब्लम तो आती है लेकिन वैसे सब ठीक। अच्छा, हो जाती है, वो तो मशीनरी है। ये बोलते हैं कि सर्विस सेंटर वाले ज्यादा परेशान करते हैं। नहीं, वो भी नहीं करते, काम नहीं होता। नहीं, होता है, एक महीने खड़ी रहती है, काम होता है। बात सही है क्या? नहीं, मैं गया हूँ ना बार बार, काम होता है वहाँ, काम होता है, आपका काम हो जाएगा। आप सर्विसिंग कराने जाते होंगे। हाँ। तो कितना पैसा लगता है वहाँ पे? ज्यादा नहीं लगता पैसा भी। कितना लग जाता है? बस 250-300 रुपए, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं लगता। और क्या, सर्विस में इतना ही लगता है, कम ही लगता है। अच्छा, तो गाड़ी से आप खुश है? खुश है, अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। हाँ, गाड़ी है, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब, ये सुनील भाई साहब हैं भोपाल शहर में,
और ये गाड़ी चला के काफ़ी खुश है, अच्छा लग रहा है इनको, 6 महीना हो गया। आप लोग भी कोई भी गाड़ी खरीदने से पहले शोरूम जाएं, गाड़ी को देखें, टेस्ट ड्राइव लें, फिर आपको पसंद आए तो आप गाड़ी खरीदें। मेरे कहने पर ना खरीदें, आपकी खुद की सोच समझ के ऊपर गाड़ी खरीदें, क्योंकि लोग बाद में कमेंट करते हैं भाई साहब आपने ऐसा बताया था, भाई साहब आपने वैसे बताया था। तो भाई साहब मैं वही बताता हूँ कि जो मुझे सामने वाले बताते हैं, मुझे जो जानकारी रहती है मैं वही आपको बताता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।